फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पर पौधों की कटाई हो रही है, फूलों को मतलब अच्छे से साफ़ किया जा रहा है ताकि इन पे अच्छे अच्छे फूल और आ सके। तो इसी तरह से मम्मी और मतलब ये सभी फैमिली के लोग हमारे करते हैं, हम लोग नहीं करते। मतलब कि मैं तो बाहर नहीं आती, मैं और सोनिया तो बाहर नहीं आते इस तरह से कटिंग करने के लिए। ये सब काम यही करते हैं, मम्मी करती है या ये करते हैं या भाई साहब करते हैं, मतलब कि मेरे देवर या बच्चे करते हैं, तो ये सब करते हैं। और मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि अपने घर का वीडियो बनाओ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ, पता ही नहीं चल रहा। मुझे दिमाग में ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से वीडियो बनाऊँ, किस तरह से ना बनाऊँ, क्योंकि इतना बड़ा घर है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो देखती हूँ, मैं बनाऊँगी तो ज़रूर। तो यहाँ पर बच्चे सभी अंदर आ गए थे, फिर नहाना धोना हुआ इनका, और बस फिर मैं चेरी की चोटी बनाने लग गई थी। चेरी की चोटी मैंने ऐसी बनाई थी जैसे स्कूल में बना के जाती है। मैं भी हंस रही थी और चेरी भी हंस रही थी, बच्चे भी हंस रहे थे और भी। तो क्योंकि होता है ना, घर में होते हैं तो वो चोटियाँ थोड़े अजीब लगती है, स्कूल में तो देखो बच्चों की बना के भेजनी पड़ती है। तो मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया और मैंने उसकी चोटी इसी तरह बना दी जैसे स्कूल में बना के जाते हैं। तो आप लोग देखिए, उसने मुझे कहा कि मम्मी दो चोटियाँ बना दो। मैंने कहा चलो भाई बना देते हैं, मुझे क्या पता कि वो किस तरह की कह रही है। मैंने सोचा जैसे स्कूल में बना के जाते हैं ना वैसे ही बनानी होगी, तो मैंने उसी तरह से बना दी। वो कुछ नहीं बोली, उसने कुछ भी नहीं कहा कि मम्मी ऐसी बनाओ वैसी बनाओ। तो जैसी मैंने बनाई वैसी ही बनवा ली उसने। तो मुझे बाद में थोड़ा अजीब लगा, मतलब कि थोड़ा सा ये लगा कि अब ये स्कूल में थोड़ा ही ना जा रही है जो मैं इसकी ऐसी ऐसी चोटियाँ बना रही हूँ। तो हमें देख कर थोड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन चोटियाँ काफ़ी अच्छी बन गई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे तो काफ़ी अच्छी लगती हैं और देखने भी सुंदर लगती हैं ये वाली चोटियाँ। पहले हम भी बनाया करते थे, मेरी मम्मी जो है रिबन लगाया करती थी दोनों चोटियों में और ऊपर की साइड बांध दिया करती थी, पहले इसी तरह का रिवाज था। लेकिन अब तो ये रबड़ डालने लगे हैं इस तरह से, तो नीचे से ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती हैं, आपको कैसी लगती? और पहले ये भी कहा जाता था कि दो चोटियाँ करते हैं तो उससे बाल बढ़ते हैं, तो ये तो पता नहीं कि बाल बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। हाँ, पर ये चोटियाँ जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, काफ़ी पसंद है। आप लोग बताना कि आप सबको कैसी लगती हैं। और ये देखिए, चेरी की दोनों चोटियां बनकर तैयार हैं, आपको कैसी लगी बताना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सीमा सीम में। तो फ्रेंड, शाम का टाइम हो गया है, लगभग 6 बजने वाले हैं। आज तो मेरा भी व्रत है और मम्मी का भी व्रत है। आज मंडे है, लेकिन मेरा और मम्मी का मंडे का नहीं, त्रोजी का व्रत है, क्योंकि आज त्रोजी भी है तो उसका व्रत है। तो उसमें हम लोग खाना नहीं खाते, मतलब कि रोटी नहीं खाते। मंडे के व्रत में मैं खा लेती हूँ, रोटी खाती हूँ या पराठा वगैरह कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन इस व्रत में हम लोग कुछ नहीं खाते, मतलब कि ऐसे फुलवारी वगैरह ले लेते हैं। तो चलिए अभी बनाएंगे साबुदाने। और ये सामने सीधी रोशनी पड़ रही है लाइट की, उसकी वजह से थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये आज का नहीं, ये कितने साल, मतलब कि जब मेरी शादी हुई थी, मैं पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तो उस टाइम का लिखा हुआ है। मैं पहली बार जब मायके गई थी तो उसके बाद इन्होंने इस पे ये लिखा था, मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने लिखा था। तो ये तब से ऐसे का ऐसा ही लिखा पड़ा है, मैंने इसको नहीं मिटाया, क्योंकि मैं कुछ यादें जो है वो अपने पास संजो के रखती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसको मिटाऊँ, और ना ही जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी मैं इसको नहीं मिटाऊँगी। और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, ये बिंदी के पत्ते रखे हैं, क्योंकि इसमें कुछ है तो है नहीं, अब ये बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हम लोग, मैं सारा सामान वहाँ लेकर चली गई हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं, दो चार चीज़ें हैं जो मैं बैग वगैरह में या किसी पर्स वगैरह में ले आती हूँ बस।
तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं साबूदाने की खीर, और खीर बनाऊँगी आज मैं कुछ अलग तरीके से, कुछ ख़ास तरीके से। मैंने यूट्यूब पे देखा था कि खीर को बनाने के लिए साबूदाने को दूध में भिगोते हैं, तो वो मैंने इसी तरह से किया। उसमें बताया था कि 1 घंटा पहले साबूदाने को दूध में भिगो के रख दें अच्छे से धोने के बाद, तो वो मैं भूल गई थी, तो मैंने ये टाइम टू टाइम किया था। तो यहाँ पर मैं पहले धो लूँगी साबूदाने को अच्छे से, इसको क्लीन कर लूँगी 3-4 पानी में, और दूसरी तरफ मैंने गैस पर दूध चढ़ा के रखा हुआ है, वो गर्म हो जाएगा। तो मैं खीर बनाने के लिए, जब मैं दूध इसको साबूदाने को अच्छे से साफ करने के बाद जो साबूदाना है वो भिगोऊंगी, तो वो मैं दूध में भिगोऊंगी, पानी में नहीं भिगोऊंगी। और वैसे भी साबूदाना वैसे भी फूल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भिगोने से ही फूलता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा दूध में भिगो दिया। और मैंने इसको भिगोया है गर्म दूध में, आज मैंने ये नया तरीका देखा है, देखा क्या मैं अपने आप कर रही हूँ इस तरीके को। तो यहाँ पर मैंने साबूदाने को फुलाने के लिए गर्म दूध में साबूदाने को भिगो दिया है ताकि वो जल्दी से फूल जाए। तो यहाँ पर मेरा दूध भी अच्छे से कट चुका है, मतलब कि पक चुका है। तो मैं जिस दूध में मैंने साबूदाना भिगोया था वो दूध भी मैं इसमें ही डाल दूंगी, और साबूदाने को मैं बाद में डालूंगी। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा पकाने के बाद उसके बाद मैंने साबूदाना भी डाल दिया है, और मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये थोड़ी देर के लिए इसे इसी तरह से पकाऊंगी। तो उसके बाद जब साबूदाने अच्छे से गल जाएगा तो उसमें मैं डाल दूंगी मखाने। ये यहाँ पर मैंने इसमें मखाने डाल दिए हैं, आप चाहे आपके पास हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है, ये ऑप्शनल है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो, आप जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने खीर में चीनी भी डाल दी है, और चीनी मैंने अपने अंदाजे से ही डाली है, ऐसा मैंने कोई नाप तोल नहीं रखा है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी साबूदाने की खीर अच्छे से तैयार हो गई है, और काफ़ी टेस्टी और अच्छी भी लग रही है देखने में। तो ऊपर से डाल दिया मैंने बादाम वगैरह, तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए और बताना आपको कि मेरी खीर कैसी लगी। तो यहाँ पर आ गई थी मैं पूजा करने के लिए, और हमें काम के साथ साथ अपना थोड़ा बहुत पूजा पाठ का भी टाइम निकालना चाहिए। अगर तो अपनी सास ना प्यार करती होगी। मैं सास ना भी प्यार करती हूँ, ना भी करती हूँ। सच उगलो आ रहा है कि सबसे बड़े तरीका हुआ है। मैं तो ना भी नहीं प्यार करती। आगे तो बड़े पति मैं पति ना भी नहीं प्यार करती, मैं किसी ने प्यार नहीं करती। और यहाँ पर आंसू पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था, तो मैं भी मजाक में यही बातें बोले जा रही थी कि नहीं मैं किसी से प्यार नहीं करती, ना मैं सासू माँ से प्यार करती हूँ अपनी, ना मैं पति से प्यार करती हूँ, ना मैं बच्चों से प्यार करती हूँ। और हम लोग इसे पीनिया के भी लड्डू कहते हैं, सांधे के लड्डू भी कहते हैं। आपके यहाँ किस तरह के लड्डू बोले जाते हैं ये बताना मुझे। और ये वाले लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, पीनिया के लड्डू, पीनिया बोलते हैं इनको यहाँ पर मेरे ससुराल में। तो उसके बाद फिर चेरी यहाँ पर ये बनाने लगी थी लिफाफे, जो कागज़ से बनाए जाते हैं, दुकानों पे यूज़ होते हैं, क्योंकि आजकल पॉलीथीन का यूज़ बहुत कम हो रहा है, तो उसके लिए ये लिफाफे बना रही थी। मेरी मासी सास हैं जो उनकी अपनी दुकान है, तो उस पर ये जो लिफाफे हैं वो यूज़ करते हैं। तो मम्मी ने सोचा कि चलो ये बच्चे भी बना लेंगे, और बच्चे बहुत अच्छे से बना रहे थे। तो यहाँ पर ये चेरी सारे कितने सारे ही लिफाफे बना के रख देगी। अभी उनको लेके गए हैं या नहीं लेके गए वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बना के रख दिए थे। और ये स्लेटी जो क्या होती है, ये चिपकाने वाला होता है जो आटे का बनाया जाता है, तो ये भी घर पे ही तैयार किया था, क्योंकि इस ये लेने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये घर पे तैयार हो जाता है आटे का, तो उससे आसानी हो जाती है। और ये काम हमारे घर में ही जो ख़राब हमारा कागज़ वगैरह पड़े होते हैं, कॉपी वगैरह पड़ी होती हैं, तो उनसे आसानी से ये बनाए जा सकती है, और काम भी चल जाता है। जो हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं उनका हमारे शरीर पे बहुत ही नुकसानदायक प्रभाव पड़ता है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए पॉलीथीन का यूज़ कम करें। लेकिन फिर भी चलती ही है, मैंने देखा है कि सब्ज़ी वगैरह में, बहुत सारी चीज़ों में पॉलीथीन यूज़ हो रही है और होती भी रहेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज़ बंद कर देंगे, लेकिन जितना हो सके कम से कम करें, वही हमारे लिए अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।